हाँ जी, अज असी खड़े हाँ लुधियाना लाडोवाल टोल प्लाजा से, जिथे अभी कांग्रेसी वर्करा ने इस टोल प्लाजा नू बंद करने वास्ते विशाल एक धरना दिता गया। आम जनता नू एक बड़ी राहत मिली है, जिथे लुधियाना का लाडोवाल टोल प्लाजा कांग्रेसी वर्करा वालों परची मुक्त कर दिता गया और सारे नू फ्री कर दिता गया। कांग्रेसी वर्करा का यह भी कहना सीगा कि जदों तक यह पूरा अपना काम पुलों का काम नहीं मुकम्मल करा लेंगे या पूरा काम नहीं करवा लेंगे उदों तक किसी नू भी टोल परची नहीं लगेगी। रमनीत सिंह बिट्टू मैंबर ऑफ पार्लियामेंट ते उन्हां दी पूरी समुची कांग्रेस की टीम वल्लों अज लाडोवाल टोल प्लाजे का घराव किया ते उन्हां दे दफ्तर नूं ताले लगाए। तो रमनीत सिंह बिट्टू वल्लों यह भी कहा गया लाडोवाल टोल प्लाजा बंद करवा दिता गया है, जो पंजाब दे लोकां दे सिर रोजाना 40 लाख का बोझ सी। जद तक रोड ते पुलां दा काम सिरे नहीं चढ़दा वह उस टोल नहीं लैन देणगे। विशेष तौर पर लुधियाना दे मेयर बलकार सिंह संधू, भरत भूषण आशू जी कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब, संजय तलवार MLA, गणेश प्रभाकर सैकटरी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी आई तो उन्हों की पूरी समुची टीम उन्होंने नाल सन। देखो अज खास तौर पर लाडोवाल टोल आ जिहड़ा वो एक नजायज़ तौर पर जिवें मैं कह रहा नहीं कम कर रहा, एक बिल्कुल ही गुंडागर्दी तौर पर वह भी मैं गल कहां छोटी आ। जिस तरीके सरकार की मदद लैके 50 लाख रुपया रोज़ का कमा के ले जाते अपन जेबा च, तो साढ़े तीनों पुल चाहे शेरपुर का हो, चाहे बस्ती जोधेवाल का हो, चाहे कैंसर हॉस्पिटल हो, एक भी कितने इट नहीं लाई तो फिर आप लोग 50 लाख रुपया किस तरह दे 2009 तो अज 19 हो गई 10 साल दा पता कितना रुपया बन गया 1800 करोड़ रुपया बन गया जे रोज़ का 50 लाख। हुण आ दस्तावेज राही ये ऑर्डर होए ने भी ये टोल आ जिहड़ा इहनूं सस्पेंड किया जाए। नैशनल हाईवे अथॉरिटी ने भी किया, विधानसभा ने भी किया, डिप्टी कमिश्नर ने भी ये गल कही आ, पर ये बंदे दे पुत फिर नहीं बन रहे। तो हुण सरकारी दस्तावेज लैके आए हैं भी भाई थोड़ा टोल जिहड़ा बंद होना चाहिए है, जिन्ना चिर तुसीं तिन्ना पुलां ते काम नहीं शुरू करते, उत्थे लैंडस्केपिंग नहीं करते, उत्थे पानी का प्रबंध नहीं करते, लाइटां दा नहीं करते, ग्रीन बैल्ट नहीं बनाते, साइड रोड्स जिहड़ियां नहीं बनाते, उन्ना चिर टोल चलेगा नहीं। गल इन्नी आ, ये लुट आ जिहड़ी तुसीं कर रहे हो वह थोड़ी चलन नहीं देनी। हुण कम शुरू कर दो, टोल चला लो, जिन्ना चिर कम नहीं शुरू होगा उन्ना चिर टोल बंद रहेगा। असीं लुधियाणे दे लोकां नूं होर तंग इहनां दे हत्थों नहीं करवा सकदे, नहीं करवा। प्रदर्शन साडे मैंबर पार्लीमेंट दे अगवाई थले स्ट्रेटजी अगवाई आ जिहड़ा ये टोल बंद किया जाए ये बिल्कुल जैनुइन है। शहर वासियां नूं तुहाडे थ्रू लुधियाने शहर वासियों नूं और सारे पंजाब वासियों नूं होर भी जिहड़े इत्थों लंघदे नूं दसना चाहुंदे आ, ये जजिया टैक्स लै रहे हैं। गडकरी साहब नूं कई वारी मैंबर पार्लीमेंट जी मिल के आए हैं, साडे MLA साहबान मिल के आए हैं, उन्हां दी सेहत ते कोई असर नहीं। यही अगर इत्थे BJP दे MP होंदे तां अज नूं ये पुल लुधियाने शहर दे कंप्लीट हो जांदे। 3 पुल जिहदे समराला चौंक, कैंसर मोहनदाई हस्पताल और बस्ती चौंक, प्लस सर्विस लाइन, प्लस लाइटा जाके तुसीं देखदे मीडिया कोई लाइट नहीं लगी जिहड़ी कि इन्हें प्रोवाइड करनी है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं, कोई वाटर रीचार्जिंग जो साइडा पर आ वो सारे बंद पे ने। 5 चीज़ा इन्होंने प्रोवाइड करनिया जिदे करके इन्होंने टैक्स लुधियाने शहर वासियों ने देने और 12 च कंप्लीट करने एग्रीमेंट इन्हों का, अज 19 हो गया। एक RTI दे विच किसी ने लाया, साढ़े दोस्त ने लाया, उस कंपनी ने नैशनल हाईवे अथॉरिटी ने कंपनी का इल्जाम लाया भी इन्हों को पैसा है नहीं, मेरे को प्रूफ ने, प्रूफ तुम दे देना है भी इन्होंने को पैसा है नहीं, इस करके बना नहीं रहे, ये क्यों ना तुम टोल बंद कर दो। उन्होंने आर्डर किए ने साडे रिक्वेस्ट जो असं मेहनत कर रहे शहर वासियों की खातर वह नतीजा जे है भी साढ़े जिहड़े लुधियाना तो मैंबर पार्लीमेंट सरदार रमनीत सिंह बिट्टू जी उन्हां दी लीडरशिप दे विच असीं जिहड़ा लाडोवाल टोल बैरियर अज असीं इहनूं बंद कराता है, आम लोकां वास्ते हुण फ्री करता है। जदों तक जिहड़ा 2.5 किलोमीटर का स्ट्रैच है शेरपुर चौंक तो लैके जोधेवाल बस्ती तक, जलंधर बाईपास चौंक तक, साढ़े 3 फ्लाईओवर रुके हुए हैं जो तकरीबन लास्ट 5 सालों तो इन्होंने उत्थे कोई काम चालू नहीं किया और उहदे करके काफ़ी जाना का भी नुकसान होया। उहदे नाल नाल जिहड़ियां फैसिलिटियां इन्हां नूं लोकां नूं देनियां चाहीदियां सी, चाहे टोल प्लाजा ते एंबूलेंस का प्रबंध करते, चाहे पुलिस स्पीकर का प्रबंध करते, चाहे जिहड़े RTI इन्होंने फ्लाईओवर बनाए हैं उन्हां उत्ते लाइटां का प्रबंध करते, रेन हार्वेस्टिंग और ग्रीन एरिया सब इन्होंने डिवेलप करना से इन्हें कुछ नहीं किया और तकरीबन 1800 करोड़ रुपया इस टोल बैरियर तो इकट्ठा करके अभी जेबा ही भर के लै गए और यदा जोड़ा नुकसान है आम जनता आम लोगों को भुगतना पाया। काफ़ी बारी गडकरी जी ने असं मीटिंगा कर लिया, काफ़ी बारी नैशनल हाईवे के ऑफिसर मीटिंगा कर लिया,
इन्हां कंपनी दे ऑफिसर नाल मीटिंगां कीतियां लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। अज मजबूरन सानूं इस सड़क ते आ के ये टोल बैरियर नूं बंद कराना पिया तां कि लोकां नूं जिहड़े लोकां लुट सुट हो रही है उन्हूं रोकिया जा सके। हुण उदों तक ये टोल बैरियर नहीं चलेगा जदों तक ये तीनों फ्लाईओवर शुरू नहीं हो जाते, जो तक जिहड़ियां सड़कां ते प्रोपर सड़कां बना के आवाजाई शुरू नहीं करते, जो तक ये लाइटां नहीं लगाते, जो तक ग्रीन बैल्ट एरिया नहीं बनाते, जो तक रेन हारवेस्ट नहीं करते, जो तक एंबूलेंस और पुलिस पिकर का इंतजाम नहीं करते, जो जो फैसिलिटियां इन्होंने टोल लैन के बदले लोगों को देनिया सी आम जनता को जो तक वो फैसिलिटियां नहीं देंगे उद तक टोल बैरियर बंद रहेगा। हुण कल तो ये टोल प्लाजा की पर्ची नहीं लगी जाएगी तुहाडे वल्लों? कल तो नहीं है जी, जदों तक ये सड़क मरम्मत अज तो चालू है जी, मुरम्मत नहीं करते जो तक पुल नहीं बनते, जो तक जो जो फैसिलिटियां आम लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं देंगे। ये टोल बैरियर हमेशा वास्ते बंद रहेगा। हुण ये कंपनी पर डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी काम शुरू करेंगे, उन्नी जल्दी ये टोल भी चल सकता है। अगर वो नहीं शुरू करेंगे इतने टोल बैरियर बंद रहेगा। सर जी जनता कल तो जी आवे बिल्कुल टोल प्लाजा मैं बार बार ये कह रहा कल तो नहीं जी, ये हमेशा वास्ते खोलता गया। और साडा जिहड़ा एक MLA की ड्यूटी लगेगी, कौंसलर की लगेगी, साडे वार्ड प्रधान ब्लॉक प्रधान लगेगी, बकायदा ये टेंट ला के रोज़ मोनीटर करेंगे। अगर कोई धक्के नाल टोल चलाउण की कोशिश करेंगे असीं दुबारा आके फिर इन्हूं बंद करावांगे। टोल प्लाजा दी जिहड़ी कलैक्शन है उन्नी देर तक बंद रहेगी जिन्नी देर तक यह लुधियाने के अंदर वाले जिहड़े काम रुके हुए ने, चाहे वह तीनों पुलों का काम होवे, चाहे ब्यूटिफिकेशन का होवे, आस पास के जिहड़े रेन वाटर के शैल्टर ने जिहड़े बिल्कुल टुटे पए ने, चाहे इत्थे दीआं जिहड़ीआं फैसिलिटियां दीआं, चाहे एंबूलेंस की फैसिलिटी, चाहे टॉयलेट दीआं फैसिलिटियां, सारियां जो इन्होंने नहीं दित्तियां अज ताईं उन्हां ते काम नहीं शुरू कर लैंदे उन्नी देर तक। इस करके असीं यह बंद करन दी सोची है क्योंकि हुण तक बार बार अथॉरिटियां नूं चाहे वह ऑफिसर्स लैवल ते होवे, चाहे वह इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव गडकरी लैवल ताईं है, बार बार मिलन तो बाद भी कोई इन्हां ते एक्शन नहीं लिता गया। इन्हां दे आप दे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने लिख के भेज दिता भी एक कंपनी काम नहीं कर रही, इन्हां दा टोल प्लाजा सस्पेंड कर दिता जावे। दिसंबर दे विच उन्होंने लिख के भेज दिता होया। साडी पंजाब दी विधानसभा दी जिहड़ी सब कमेटी सीगी उन्होंने सारा कुछ देखण तो बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दित्ती 20 फरवरी पिछले महीने 2019 दे विच भी टोल प्लाजे सस्पेंड होने चाहिए है। ये पूरे 291 किलोमीटर के स्ट्रैच सब तो ज़्यादा ये टोल प्लाजा है जिहड़ा कलैक्शन कर रहा, ऑलमोस्ट रोज़ की भी पंजा लख दी है जिहड़ी, महीने दे विच जे तुसीं कैलकुलेट करो तो 15 करोड़ बन जाता, साल दे विच 180 करोड़ बन जाता है। तो जे 10 साल का हिसाब ला जाइए तो हुण तां ही लुधियाने के टोल तो कंपनी 1800 करोड़ रुपया इकट्ठा कर चुकी है, तो लुधियाने के 18 करोड़ नहीं इन्होंने हले तीन खर्चा, सारा लुधियाना चौक करके रख्या पिया। मेन रोड है ये, मेन रोड सारे ही अगे केटर करती है, धर्म स्थानों केटर करती है, अगले स्टेटा केटर करती है, पर उन्होंने लुधियाने वालों बिल्कुल भी कोई इस कंपनी की नैशनल हाईवे अथॉरिटी की किसी का इस लुधियाने वाल ध्यान नहीं। तो असी लुधियाने के रिप्रजेंटेटिव होने के नाते ये उन्होंने आख्या, उन्होंने जगाया भी उदों थोड़ा कलैक्शन शुरू होएगा जो तुम लुधियाने के सारे प्रोजेक्टा काम शुरू करते हो। प्रदर्शन सर चलता रहूगा जी? जदों तक वो काम शुरू नहीं करते असं उन्होंने अलाउ नहीं करांगे। सारे लोगों की सहायता नाल सारिया पार्टियां नूं आखांगे भी इहनूं तुसीं स्टंट ना आखो, ये लोगों का काम है, ना ला के खड़ो इत्थे। बकायदा तौर पर हरेक नूं एफर्ट करना चाहिए क्योंकि लुधियाना इन्हां प्रोजेक्टा करके ही काफ़ी साल पिछड़ गया। लुधियाना लाडोवाल टोल प्लाजा से जिते कांग्रेसी वर्करा ने इस टोल के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो उन्होंने बंद कराने की मंग भी की और ताले भी लगाए गए, जिसके संबंध के चलते अज साडे नाल जुड़े ने गणेश प्रभाकर जी, सैकटरी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आप इन्होंने गलबात करते हैं, आओ। हाँ जी सर, अज का जो तुहाडा प्रदर्शन से रोज सीगा टोल प्लाजे नूं बंद कराने तो लैके उन्दे बारे तुसीं कुछ चाहते? साडे लुधियाने की सारी ही जनता त्राहीमाम कर रही थी। लुधियाने का जितों दिल्ली वालों जो एंट्री होंदी है शेरपुर चौंक का पॉइंट है जिहड़ा, वह जिस दिन की रोड शुरू की है इस कंपनी ने, वह जिहड़ा साडा एंट्री पॉइंट है उही नहीं कंप्लीट किया। उत्थे रोज़ दो तीन चार घंटे के जाम लग रहे थे, उत्थों शुरू होकर ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल, उस तो बाद बस्ती जोधेवाल और अगे शिवपुरी चौंक तक सारी जगह पर रोड बंद पई है, कोई भी सड़क का काम नहीं चल रहा। ये धक्के डेली टोल टैक्स की कोई तकरीबन 40 लाख की उगराही कर रहे थी, जो कि पब्लिक का पैसा नजायज तरीके इकट्ठा हो रहा है और डिवेलपमेंट तो नहीं ला रहे थे। ये सेंटर की गवर्नमेंट तो दुखी हो के किन्नी बारी साढ़े मैंबर पार्लियामेंट सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी ने चिट्ठियां लिखिया, मिनिस्टर्स नूं चिट्ठियां पाइया कि साडे लुधियाने की सुध ली जाए, जिहड़ा टोल टैक्स की उगराही हो रही है गलत हो रही है, ये बदले कोई काम नहीं होया, ये साडा जल्द तो जल्द काम कराया जाए। जदों सेंटर की गूंगी बैरी सरकार ने कोई गल नहीं सुनी तो अज असी
जी साडे मैंबर पार्लीमेंट रवनीत बिट्टू जी की अध्यक्षता दे विच साडे मिनिस्टर भारत भूषण आशू जी और सारे एम एल ए रहनुमाई दे विच इत्थे टोल प्लाजा दे विच आके असी उरे धरना लाया। जिहड़ा टोल टैक्स दा दफ्तर सीगा उहनूं लॉक लाता, उहनूं ताला लाता और असी यह सुनिश्चित किया वै हुण जिवें तुसीं देख रहे हो सारियां कारां सारियां गड्डियां सारे ट्रक फ्री ऑफ कॉस्ट लंघ रहे हैं, किसी तो कोई टोल नहीं वसूलिया जा रहा। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि रोज़ किसी ना किसी की ड्यूटी ला के ये पक्का होवे कि किसी पब्लिक तो जब तक सड़कां कंप्लीट नहीं होंदियां ये टोल टैक्स ना लिया जा सके। आम जनता नूं राहत मिली है, बहुत वड्डी राहत है कि कल तो और अज तो ही शुरू हो गया कि पर्ची नहीं लगेगी, सब फ्री निकलणगे। ये सर आम जनता लई बहुत वड्डी राहत है। मैं समझदा कि जिवें कार दा आन जान दा उरों 145 रुपए दे 175 रुपए ले जांदे सीगे और ट्रकां दे तो बहुत ज़्यादा सीगे और जिदे ये कंपनियां नूं जदों ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उहदे विच सुनिश्चित किया जाता है कि जिहदी एवज दे विच ये टोल टैक्स लाया जा रहा है वह सड़कां वह पुल कंप्लीट किए जाएंगे तो ये लाएंगे। ये बिना कंप्लीट किए हुण तक जिनी वसूली कर रहे सीगे ये धक्के नाल गलत वसूली कर रहे सीगे। सो हुण अज जो तुहाडा इह प्रदर्शन है ताला तुसीं लगाया जो टोल प्लाजा नूं इहते मेन सांसद रमनीत सिंह बिट्टू और समुची तुहाडी कांग्रेस की टीम पूरे एम एल ए साहब जिन्हें भी तुहाडी पूरी टीम इत्थे पहुंची हुई है, अगर उस तो बाद भी ये तो पर्ची कटते नहीं या पैसे लेंदे उस तो बाद तुहाडा अगला कदम की होएगा? सर सानू गरंटी है कि कोई भी इस तो बाद धक्के नाल पर्ची नहीं कटूगा। बाकी रोज़ दी उरे कांग्रेस पार्टी दे वर्करां दी ड्यूटी लाई गई है कि डेली उरे देखिया जाऊगा कि अज तो बाद कोई भी धक्के नाल उरे पर्ची ना कट सके। तुसीं कोई इहदे बारे कोई अलग तो कमेटी या अलग तो कोई मैंबर जिवें 11 मैंबरी कमेटी या कुछ इदां दा सिस्टम लागू किया कि आके देख के इधर देखा जाए चैकिंग की जाए? साढ़े मैंबर पार्लियामेंट ने यह पहले ही सुनिश्चित किया है, उन्होंने ड्यूटियां लाइया ने बकायदा। एक कल तो साढ़े जिहड़े पार्टी के वर्कर और लीडर ने कल तो आएंगे उरे बकायदा रोज़ ड्यूटी लगी है, रोज़ चैक किया जाऊगा, रोज़ देखा जाऊगा। वो खुद भी गेड़ा मार के देखेंगे कि जो असी अज यह उरे कांग्रेस पार्टी ने हुम हुमा के जो उरे प्रदर्शन किया असी रोज धरना लाया और जो असी इनू बंद कराया ये सुनिश्चित किया गया वै भी इनू डेली रोज़ ये तो कोई भी दोबारा उरों टोल टैक्स ना लिया जाए। सो ये साडे नाल जुड़े गणेश प्रभाकर जी सैकटरी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी आई तो इन्हां वालों कहना है कि जिहड़ा अज तो बाद जिहड़ा टोल प्लाजा है आम जनता नूं बहुत वड्डी राहत मिलेगी। तुसीं आ देख सकते हो तस्वीरां खुद तुहाडे सामने आ रही हैं कि इत्थे कोई भी किसी तो टोल प्लाजा नहीं लिता जा रहा, कोई भी पर्ची नहीं कट्टी जा रही और इन्हां दे सिस्टम जिहड़े कैबिन है इन्हां दा भी कोई वर्कर या मुलाजम नहीं दिखाई दे रहे। सो बहुत वड्डी खबर, एक आम जनता नूं बहुत ही वधिया राहत मिली है जो कि लाडोवाल दा टोल प्लाजा पर्ची तो बिना मुक्त कर दिता गया। हाँ जी सर, जिहड़ा अज दा कांग्रेस दे जिहड़ा टोल प्लाजा दा धरना दित्ता जां किसी तरह भी उहदे बारे तुसीं की कहना चाहुंदे? देखिए हमारा कहना है कि जो प्रोजेक्ट हाईवे है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट 200 पानीपत से लेकर जलंधर तक ये पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। बीच में कहीं पे अपवाद रहा है तो वो किसी ना किसी हिंड्रेंस के कारण रहा है, कुछ एक अप्रूवल्स हैं या जो भी प्लान चेंज के कारण प्लान चेंज होने थे जिसके कि अप्रूवल्स हमारे पास नहीं आए उसके कारण है, ठीक है। जिहड़ा हुण कल तो टोल प्लाजा लिया जाऊंगा सर गड्डी फ्री लगू दे उन्हां वल्लों कांग्रेस ने कहा क्या भी किसी ने भी पर्ची कटाने तो बिना जाना उसी उहदे कोई की कहना चाहते हैं? ये टोल प्लाजा जो है ये भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार चल रहा है और जो भी है यहाँ पे मतलब कानून के हिसाब से वर्किंग हो रही है। अब चूंकि ये हमने उनसे भी निवेदन किया है कि इस चीज़ को समझें और हमें हमारी प्राथमिकता होगी कि जो भी है चूँकि इसमें राजस्व जो है जो रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट और कंसेशनर दोनों का होता है इसलिए इसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। सर कल से पर्ची ले जाएगी?